टेड जर्गेंसन एक शहर रखरखाव कर्मचारी एक दूरस्थ सड़क के किनारे पाइप की जांच कर रहा है जब उस पर कई भूखे लैम्प्रे द्वारा हमला किया गया और उसे मार दिया गया। मोटे तौर पर एक हफ्ते बाद माइकल पार्कर, उनकी पत्नी केट, बेटी निकोल और बेटे काइल गर्मियों के लिए छोटे झील के किनारे के शहर में चले जाते हैं, क्योंकि माइकल को चार्लेवोइक्स झील में लैम्प्रे आबादी को नियंत्रण करने का काम सौंपा जाता है। विल, रीच और मार्सी से मिलकर स्थानीय मछली और वन्यजीव विभाग से मिलते हुए माइकल को पता चलता है कि ये लैम्प्रे विशेष रूप से भूखे हैं और मछली की आबादी पर आक्रामक रूप से भोजन कर रहे हैं, इसे प्रभावी ढंग से नष्ट कर रहे हैं। ब्रूस एकरमैन मांग करते हैं कि माइकल एक दिन के भीतर समस्या को ठीक कर दे ताकि शहर में कोई पर्यटक राजस्व न खो जाए। जल्द ही लैम्प्रे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। पहले रीच पर हमला करते हैं जब वह लैम्प्रे काउंट पाने की कोशिश करने के लिए झील पर निकलता है। उसका शरीर पाया जाता है और मुर्दा घर में लाया जाता है, जहां लैम्प्रे उसकी छाती की गुहा से फट जाते हैं और कोरोनर को मार देते हैं। इससे पहले कि वे पाइप में भाग जाए और पानी की व्यवस्था में घुसपैठ करें, इसके बावजूद मेयर एकरमैन अभी भी झील को बंद करने से इनकार करते हैं। माइकल खुद प्रेस से बात करते हैं। जब मेयर एकरमैन यह देखता है तो वह माइकल के बॉस के साथ पक्ष बुलाकर माइकल को निकाल, माइकल और केट के चुलबुले ग्रीष्मकालीन पड़ोसी अलेन अपने पूल बॉय अलेक्स को अपना पूल साफ करने के लिए बुलाती है। अलेक्स निकोल को वहीं पर मिलने को बोलता है क्योंकि अलेन कहीं बाहर जाने वाले हैं। दोनों अलेन के पूल में रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं पे अलेन का शरीर देखते हैं। वो बाहर निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन अलेन को लैम्प्रे द्वारा खाया जाता है। निकोल की चीख कैट सुनती है और वह दौड़कर वहां पहुंचती है और पुलिस को बुलाने को बोलती है। एक अधिकारी आता है और वह तुरंत पूल में लैम्प्रे द्वारा खा लिया जाता है, जो कैट, निकोल और अलेक्स को भागने को बोलता है। लैम्प्रे शहर पर सामूहिक रूप से पाइपों और बाहर किसी भी जल स्रोत के माध्यम से हमला करते हैं। कैट और निकोल काइल को बचाने के लिए जाते हैं, जो पहले समुद्र तट पर गया था क्योंकि लैम्प्रेज ने हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि अलेक्स अपने परिवार की जांच करने जाता है। मेयर एकरमैन भी इस दौरान एक लैम्प्रे द्वारा मारा जाता है, जो शौचालय पर बैठते ही उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। विल माइकल को निकाल दिए जाने के बावजूद उसकी मदद करने के लिए मना लेता है और वे देखते हैं कि मार्सी पर लैम्प्रे द्वारा हमला किया गया है और उसे मार दिया गया। लैम्प्रे के मिशिगन झील में भागने से पहले मुख्य जल प्रणाली को बंद करने की योजना बनाते हैं और मेयर सहित पूरे शहर में कई मृतकों की खोज करते हैं। सामना कैट और निकोल से होता है, जो काइल को एक अटारी भंडारण क्षेत्र से बचाने की कोशिश में व्यस्त है, जहां उन्होंने खुद को रोक लिया है। अलेक्स वापस आ जाता है। उसके पास सीढ़ी होती है, उसकी मदद से वो काइल को बचा लेते हैं और शहर से भागने में सफल होते हैं। वे मृत लैम्प्रे के जिगर से जैव लवण का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। अंततः वे मुख्य बिजली संयंत्र में सभी लैम्प्रे को बिजली से काटने की अपनी योजना में सफल हो जाते हैं।
लेकिन विल लैम्प्रे से मारा जाता है। जैसे ही शहर साफ होता है और माइकल और उसका परिवार संकट को हल कर लेता है, लेकिन एक लैम्प्रे सफाई दल के एक सदस्य पर हमला करता है।